नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में बेहद ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है, लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं, आज आंद्रे रसल ने एक इतना लंबा छक्का जड़ दिया है जिसे देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि आंद्रे रसल में ऐसा लगता है कि एल राहुल की आत्मा आ गई थी, क्योंकि इतना लंबा छक्का तो सिर्फ और सिर्फ के एल राहुल ही मार सकते हैं। अब किस तरह से आंद्रे रसल ने बिल्कुल के एल राहुल के एक्शन में बेहद ही लंबा शॉट जड़ दिया है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें, आज पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में बेहद ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है, और इस मुकाबले में देखने को मिला कि आज पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग की है, जहां मयंक अग्रवाल आज सिर्फ और सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं देखने को मिला कि शिखर धवन ने भी सिर्फ और सिर्फ 16 रन ही बनाए, ज्यादा कुछ खास कर ना सके। वहीं आज राजपक्षे ने एक बार फिर से बेहद ही खतरनाक पारी खेली, सिर्फ 9 गेंदों पर ही 31 रन जड़ दिया, और अपनी पारी में इन्होंने 3 चौकों के साथ साथ 3 छक्का भी जड़ा, जबकि लिविंगस्टोन ने 16 गेंदों पर 19 रनों की एक बेहद ही छोटी पारी खेली। इसके अलावा देखने को मिला कि आज राजबावा ने 11 रनों की पारी खेली, शाहरुख खान तो अपना खाता भी नहीं खोल सके, तो वहीं हरप्रीत बरार ने 14 रनों की पारी खेली, और अंत में रबाड़ा ने 16 गेंदों पर 25 रनों की एक छोटी सी पारी खेली, जिसकी बदौलत आज पंजाब किंग्स 137 रनों तक पहुंच पाई। अब ऐसे में देखना था कि 138 रनों का पीछा किस तरह से केकेआर करती है, तो चलिए बात करते हैं केकेआर ने किस तरह की पारी खेली और कैसे फिर आंद्रे रसल के बेहद ही तूफानी और रोमांचक शॉट्स देखने को मिले। बता दें, अजिंक्य रहाणे ने आज 11 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 12 रनों की पारी खेली। अजिंक्य रहाणे आज कोलकाता की तरफ से एक बार फिर से बहुत ही जल्द आउट हो गए, लेकिन वेंकटेश अय्यर से उम्मीद थी और वेंकटेश अय्यर ने भी उम्मीदों पर पानी फेरा, सिर्फ और सिर्फ 3 रन बनाकर ये भी आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने 15 गेंदों पर जरूर 26 रनों की एक छोटी सी पारी खेली, लेकिन एक बेहद ही खतरनाक शॉट, बहुत ही बुरा शॉट खेलकर श्रेयस अय्यर आज आउट हो गए। इसके बाद सैम बिलिंग्स आए थे और सैम बिलिंग्स पारी को आगे लेकर के बढ़ रहे थे, लेकिन नीतीश राणा तभी 0 रन पर ही आउट हो गए, एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए राहुल चहर का। इसके बाद आंद्रे रसल आए थे और आंद्रे रसल ने जो तूफानी पारी खेली और एक इतना लंबा छक्का जड़ दिया जिसे देखने के बाद कोई हैरान रह गया, और आंद्रे रसल की आंधी में पूरी तरह से पंजाब की टीम उड़ गई। जी हां, आपको बता दें, आंद्रे रसल ने एक के बाद एक लंबे शॉट्स खेलने चालू किए और बेहद ही खतरनाक आंद्रे रसल नजर आ रहे थे। इन्होंने 4 छक्के बेहद ही आसानी से अभी तक जड़ दिए हैं, और आपको बता दें, ऐसा लग रहा है कि आंद्रे रसल की आंधी में आज पंजाब किंग्स उड़ जाएगी। जहां एक समय पे लग रहा था कि पंजाब किंग्स इस मैच को जीत सकती है, तो वहीं आंद्रे रसल की तूफानी सिक्सों की वजह से अब देखने को मिल रहा है कि पंजाब किंग्स मैच में धीरे धीरे करके पीछे होने लग गई है। एक छक्का पंजाब किंग्स के खिलाफ आंद्रे रसल ने इतना लंबा मारा जो कि बहुत ही दूर जाकर के गिरी थी, और इसे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ गए और पंजाब किंग्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पंजाब किंग्स कैसे आंद्रे रसल को रोक सकती है। आंद्रे रसल का ये जो छक्का था वो 89 किलोमीटर का था, जिसे देखने के बाद मयंक अग्रवाल के तोते उड़ गए, और सभी का ये कहना है कि आज तो आंद्रे रसल ने बिल्कुल केएल राहुल के अंदाज में परफॉर्मेंस की है, और इस तरह से अगर कोई खेल सकता है तो केएल राहुल और आंद्रे रसल ही खेल सकते हैं। तो आपको आंद्रे रसल की ये पारी कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।